गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 18 ऑफ ज्योग्राफी द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विद द न्यू टॉपिक दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडियन डेजर्ट, जैसे हमने थार डेजर्ट का एग्जाम्पल लिया जो अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में जो पूरा इंडिया का डेजर्ट लोकेटेड है उसके बारे में हमने डिस्कशन करा। आज हम न्यू टॉपिक के साथ द कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट कर रहे हैं। गॉट इट? कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या होता है? जो ओशन के नियर बाई जो लैंड है, और लैंड कौन सा? जो स्पेशली प्लेन्स हो जहाँ पॉपुलेशन वगैरह रहती है, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ तक है? अरेबियन सी के अलोंग में है, यानी कि सपोज ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी में ये क्या है? वेस्टर्न घाट है, और ये जो अरेबियन सी ये वेस्टर्न घाट और इसके बीच का प्लेन है, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। वैसे ही ईस्टर्न घाट है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और दोनों के बीच में यानी कि बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट द प्लेन लैंड इज लोकेटेड देयर, दैट प्लेन इज नोन एज कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब ये वेस्ट में है तो इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो ईस्ट में है इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। गॉट इट? तो इसी कोस्टल प्लेन को क्या कह रहा है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को अलोंग में रनिंग करता है, बात इसमें वेस्ट और ईस्ट में, इसी के बेसिस पे इसका नाम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में रखा गया। गॉट इट? यहाँ मैंने डिफाइन भी किया हुआ बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी को क्या कहता है? वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ईस्टर्न कोस्टल एरिया का डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। गॉट इट? चलिए, ये जो कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न साइड में थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स का, तो इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। और ये कोंकण जो कोस्ट है वो कौन कौन से एरिया कवर करता है? मुंबई और गोवा को, इसलिए इसका नाम क्या है? कोंकण कोस्ट। थोड़ा सा हम सेंट्रल पॉइंट में आते हैं इस वेस्ट कोस्टल प्लेन के, तो आता है आपका कन्नड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं इसे? कन्नड़ कोस्ट। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। साउदर्न मोस्ट में जो है वो मालाबार कोस्ट है, वो कहाँ पर है? केरला में। वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपको मैंने जब वेस्ट ईस्टर्न घाट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ईस्ट नॉर्दर्न सरकार है, ये सरकार है, सॉरी एल नहीं है आर है, तो नॉर्दर्न सरकार कोस्टल प्लेन है तो नॉर्थ साइड में, और साउदर्न मोस्ट में जो कोरोमंडल, इसको हम तमिलनाडु कोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तमिलनाडु कोस्ट। ओके, चलिए, तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। गॉट इट? तो जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती है। एक्चुअली में ये जो रिवर आती हैं ये इधर की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है, और जाकर बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन होती हैं। अब आपको पता है कि कोई भी रिवर जब ओशियन के पास मिलने वाली होती है तो वो डेल्टा फॉर्म करती है। तो गॉट इट? तो यही डेल्टा प्लेन का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कौन कौन से रिवर डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया में? ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया की बात हो रही है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से रिवर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गॉट इट? चिल्का लेक, याद रखिएगा ये वन मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट लेक है, और ये कहाँ लाइज करता है? महानदी डेल्टा के साउथ में, और ये कहाँ पर है चिल्का लेक? ओडिशा में। यानी कि सब कुछ जैसे कि आपने देखा होगा मैप में, ये एक छोटा सा पार्ट ऐसे बाहर की तरफ गया हुआ है, और ये जो है पूरा का पूरा लेक है चिल्का लेक, यही है ये, और ऊपर से इसके महानदी फ्लो होती है, तो इसी महानदी के साउथ में चिल्का लेक है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट लेक है। क्वेश्चन आ सकता है तो बता देना, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में कौन सा सॉल्ट लेक है, तो आप बताओगे सांभर, ठीक है। सांभर लेक, SAMBHAR, सांभर लेक भी है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में। गॉट इट? इन वेस्टर्न कोस्टल एरिया रिसीव्स रेनफॉल बिकॉज ऑफ मानसून। ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पर बारिश जो आती है वो मानसून सीजन में आती है। मानसून में कौन से मानसून? मानसून जो टाइप्स होते हैं, एक मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो समर सीजन में आता है। तो ये जो रेन, ये जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न का, वेस्ट साइड का, तो ये इसे रेनफॉल मिलता है किससे? साउथ वेस्ट मानसून से। गॉट इट? लेकिन वहीं जो है वेयर एज द ईस्टर्न कोस्टल एरिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ
साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि ये जो एरिया है इसे साउथ वेस्ट यानी कि समर सीजन में बारिश रेनफॉल रिसीव होती है और विंटर सीजन में भी रेनफॉल रिसीव होती है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो विंटर सीजन में ही आती है। गॉट इट। अब चलिएगा, इन द वेस्टर्न कोस्टल एरिया फाउंड नेचुरल पोर्ट्स। जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ये बहुत ही रग्ड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इधर क्या है ना कि बहुत ही नेचुरल पोर्ट्स बन गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल पोर्ट्स बनाई जाती पाई जाती हैं, लेकिन वही ईस्टर्न कोस्टल एरिया में क्या है कि नेचुरल पोर्ट्स नहीं फाउंड होती हैं। गॉट इट। चलिए, ये रहा हमारा कोस्टल एरिया के बारे में, जहाँ से बहुत सारे ट्रेड भी होते हैं। गॉट इट। हम तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वेट कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।